बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हरे निशान में खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 511 अंक कर टूटा। कोरोना संक्रमितों की घटी संख्या, देश में 118,443 एक्टिव केस। देश में कोरोना के 8,488 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटों में 249 संक्रमितों की हुई मौत। असमंजस के बीच शीत सत्र, नहीं नजर आ रहा तैयारी और नहीं दिख रहा उत्साह। ट्रक से टकराकर पलटी कार, मैकेनिक की मौत, वही 5 जख्मी। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग ने राशन दुकान संचालकों की आय बढ़ाने की दी अनुमति, राशन में अब मिलेगी चाय कॉफी व हैंड वॉश। जिले में 548 बच्चे कुपोषित, घटिया पोषण आहार आपूर्ति का आरोप। महीने के अंत तक 100% वैक्सीनेशन, सीओ कुंभेस्कर ने दिए निर्देश। 2 वर्ष में तबाह हो गए राज्य के किसान, भाजपा किसान मोर्चा के राउत ने मविया सरकार पर लगाए आरोप। शहर में 7 स्थानों पर हुई कार्रवाई, 12 रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।